थैंक यू। वो जो चलाएंगे ना बात नहीं करा दें।
Excuse me, ma'am. पीछे आ जाओ। अरुण खड़ा करने इधर फोटो बोलना जो जॉन मोबाइल स्पीड दे, खिंचाना दोस्त। मैं पीछे जाके क्या करूँ फिर आगे से क्या मिलेगा तेरे को? लो फोटो लो, मैं पीछे आ जाऊंगा। फोटो ले लो तू पहले, फोटो ले लो ना, मैं आ जाऊंगा। ले लो। दादा फ्लैश लेना भाई। पूरा फ्लैश ही आ रहा है। कैमरा पीछे ले भाई।
तेरा फ्लैश आ रहा है तुम्हारा, वो आ रही आ रहा है पूरा। अरे दादा अभी थोड़ा फोटो तो ले लो ना। महेंद्र जी की आवाज़ ही ऐसी थी कि लोग कभी भूल नहीं सकते। मेरे लिए उन्होंने बहुत गाने गाए हैं एंड ऑल द सॉन्ग्स वर ब्यूटीफुल, बट द क्रेडिट गोज टू द फैमिली ऑल्सो हु हैव डन। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उनकी याद बरकरार रहे। सुरेश जी आप भी अगर कुछ मेमोरी, अगर कुछ यादें, ये मोमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये लम्हा कुछ अगर शेयर कर सके आप बताएं। बहुत सारी यादें हैं, कुछ एक नहीं है, और बहुत प्यार मिला है उनका मेरे लिए, फादर समान थे, मुझे तो बच्चे से लेके देखा है उन्होंने गाते हुए, क्योंकि मेरे गुरु जी के साथ बहुत अच्छे उनके संबंध हैं और हम तो बचपन से उनको सुनते ही आ रहे हैं, हजारों गाने उनके हम लोग गाते आ रहे हैं बचपन से, तो अच्छा लगा और मुबारक अभी से भी यहाँ पर बना दी है। और ये जब तक दुनिया कायम रहेगी उनके गाने तो बचते ही रहेंगे। सर आप भी अगर आप आपने तो गाना, अगर आप कुछ एक लाइनें भी हमें सुना सकते हैं। सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि ऐसे महान गायक के नाम से ये चौक बना है आज, और इसका श्रेय मैं रोहन जी को और या हमारे गेस्ट लोग जी, जी सुपरस्टार बैठे हुए हैं, मंत्री जी हैं, सब लोग हैं, सब लोग आए और ये शान बढ़ाया है इन्होंने। सुरेश जी हैं हमारे बड़े भाई, तो वो हम लोगों के लिए आदर्श थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे पिता तुल्य थे और बड़े भाई जैसे भी थे। जब भी मैं कोई गाना गाता था तो वो मुझे फ़ोन करते थे कि उदित तुमने ये गाना बहुत अच्छा गाया है। मैं बोला कि आप जैसे महान गायक अगर ऐसा कह रहे हैं तो और क्या चाहिए हमारे लिए। हमेशा उनसे आशीर्वाद मिला हम सब लोगों को, और वो सब लोग, ये सब लोग ऐसे महान गायक हैं जो हमारे लिए तैयार बुक फॉर अस, हमारे लिए किताब के समान है। हम पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो आप सर कोई दो लाइन अगर आप उनकी उनकी याद में अगर कोई गुनगुना देते हैं, अगर उन्हें भी बहुत फेवरेट रहा हो और वो भी गुनगुना, आप सभी साथ में गुनगुनाते थे सर गाने। सर को ये गाना है जो आप गाना चाहें। नीले गगन के तले
धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। रोहन जी का आप, हाँ मैडम से बात करेंगे, आप आपके लिए ये दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है, एंड जॉनी जी प्लीज आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आई दिन मेरे लिए तो नहीं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत दिल से जुड़ा हुआ, बिकॉज दैट डे आपसे मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ पर मेरे साथ हैं, हमारे बड़े जीतू जी सब परिवार हैं, हम सब आए हैं, सबने लाइट के साथ इतना काम किया, इतना प्यार दिया उनको हमेशा, मैं समझे इनका पहला हक है कि सब चीज़ का जो श्रेय है लेने जाए बात नहीं बेटा। तो मैं सबसे पहले श्रेय तो हम सब हमारे अनिल देशमुख जी हैं जो लाइट बहुत गरीब थे, बहुत प्यार था उनका, सबका आभारी हूँ कि सब आए और रौनक लगाए। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मेरे लिए बहुत महेंद्र जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, इतने अच्छे गायक थे, उतने अच्छे लोगों को पता नहीं, उतने अच्छे कॉमेडियन भी थे, मैं लोगों को हंसाता हूँ, मुझे हंसाते थे वो, जब टूर करके आते थे तो ट्रैवलिंग में इतना हंसाते थे कि कोई यकीन नहीं कहे कि महेंद्र जी हंसाते नहीं हैं, हंसाते भी थे, तो बहुत ही बड़े फनकार थे और वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं उनका नाम होने के लिए, महान गायकों के जो पिलर्स थे उनमें से एक पिलर थे ना महेंद्र जी, और हमारे रोहन भाई तो हम लोगों ने, मैंने इनके साथ मतलब मेरी डिग्री हुई तो साथ में साथ में काम किया लोगों ने, और फिर बहुत अच्छा काम किया थे आप बहुत बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाहूँगी आई एम ग्रेट फैन ऑफ महेंद्र जी, और मैं तो बहुत अच्छा मतलब बचपन से डांस करती थी, लेकिन यू वॉज बेस्ट पार्टनर मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना सिंपल आदमी, हमेशा मुस्कुराते थे, इतना अच्छा से बात करते थे, लेकिन जब स्टेज में थे लायन मतलब इस तरह से वो बहुत द बेस्ट पार्टनर पार्ट मैंने देखा, और मैंने जब उनको गाना सुना तो मैंने कहा ये मुझे तो बहुत अच्छी होती है, तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिला, होता है बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छे काम किया है, कंग्रेचुलेशन, और ऐसे तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी वो अपने वी आर रियली ग्रेटफुल बिकॉज इज ए ग्रेट सिंगर ग्रेट परफॉर्मर। Sudhan, we'd like to know your thoughts. How do you feel with everyone here today? Yeah, I am truly humbled that everyone has come here to Dumbo Dada. I am really happy on this occasion and I can thank everyone for coming here and embracing this occasion. अभी अभी इनको सुनिए, वो बोलेंगे और हम सुनेंगे आपके थॉट, ये मोमेंट आपके लिए कितना? आज बड़ी खुशी का दिन है कि भारत भर के बड़े लोकप्रिय गायक महेंद्र ठाकुर जी, इनको उनकी स्मृति में यहाँ पे चौक का नाम उनके नाम पे दिया गया है, बड़ी खुशी की बात है। सब दुनिया जानते हैं कि महेंद्र कपूर साहब एक गुणी सफल और लोकप्रिय गायक थे, और ये फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी हिंदी और काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में काफ़ी उन्होंने अनगिनत ऐसे गीत गाए और बड़े सफल कलाकार रह चुके हैं। इनके स्मृति में इस बांद्रा जैसे एरिया में चौक का नाम देना, उनको आदर और सम्मान देना है, उसके लिए उनके पूरे परिवार का मैं तहे दिल से चिंता। चले जाते आते सभी साथ में थोड़ा पीछे आ जाएंगे। पापा जी बहुत ग्रेट है, शी सेइंग समथिंग, जितने अच्छे समझते और अच्छे अच्छे फादर थे, अच्छे हस्बैंड थे, बहुत अच्छे हस्बैंड थे, देश भाई भगवान के भगत थे, उनकी कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, इतने अच्छे थे सबके साथ फिल्म इंडस्ट्री में, और ऐसे भी घर में उनका वो बयान बहुत अच्छा था, और हमारा घर स्वर्ग का स्थान है, और मैं यही बोल सकती हूँ कि वो फिर से स्वर्ग को मिलने आए। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके नाउ वी डू फोटोज प्लीज। मंगेश पीछे 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 कैमरा।
पूरा नहीं मिलेगा क्या कर रहा है? अरे भाई भाई कैमरा पीछे पीछे भाई कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अंकिश मिला मिला तो आप unbelievable. It's like a dream come true. As soon as the cooperator called me up from here, Asif bhai, that we want to have this chalk named by dad. So I was a little apprehensive earlier because I normally, with all due respect to a lot of people that played type of thing, I'm not very happy with, because those people have done such beautiful job in their life and gone. So was it for my father. Then they assured me, no, we'll give you a nice space. You make something that you like, and we'll make sure that BMC supports you in every way. So I'm very grateful to them, to the government, to the municipal authorities, and then our family, my entire team, my wife, my children, all got together to support me in it, to do it, because anything we did for my father was less, because he was, in real life, he was one of the gem. He was an institute by himself of leading a life. How you lead a life is something that one could learn from every day. Every day we learn something new from him. So we are so, so indebted to him that anything we do for him is very little. I think, yeah. He was more than a father-in-law, he was a father for me. And whatever I say about him is very less. The amount I can praise him, I don't think I have enough paper of enough ink also for that. He was such an institute with himself. And we learned to bow down. He was very, very humble. If you did a small thing for him, he would thank you at least 1,000 times, which was such a big thing that out of love, whatever we did till today for him is less, we feel. Siddhant. Come. Your thoughts. I'm very, very happy on this occasion and very humbled by everyone's presence, and very glad that it all went smooth. And we're thankful to the government also for naming this chonk by Dada's name and recognizing everything that he's done for the country. And we just like to thank everyone who's come. I've actually not been very privileged to be a part of him and see him, but today with this murti I can see him every time I cross the road, and it's amazing to see how much hard work, like, you know, mom and dad also have put in, and Dada's blessings are on us always, and we love him. Rishika, your thoughts? I'm very happy that finally we have
we can see him whenever we pass the road, and we can have him all around us all the time. I was not really fortunate to see him, as she said. Even I came into the family 1 year late, but I've heard such lovely things about him, and I see how people still respect him and love him. So it was our loss that we never got to witness that, but we are proud to be a part of this family, and we see all the blessings flowing from his from up above, and I'm grateful to be part of this. If you Yeah, please stand here. बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला हुए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला हुए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम मगर साथ देने का। Do you like sing anything? मैं आई सिंग? या मैं तो वही गाऊंगी मेरे को जो अच्छा लगता है। मेरा प्यार वो है कि बरकर भी तुमको जुदा अपनी माँ उसे हो दे दे, मेरा प्यार वो मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जा तू बे मांग लो, जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं रोहन जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। हम लोगों ने इसका जब रॉक ख़रीदा था तो एक 7 फीट का 3,000-3,500 किलो का ये पूरा रॉक था। ये पूरा स्कल्पचर 1 पीस मार्बल में कार्व किया हुआ है। इसके साथ में जब इनका पोर्ट्रेट हमने किया तो स्टूडियो में पूरा तीन महीने तक हमने महेंद्र जी के गाने सुने, उनका पूरा एनालिसिस किया, उनका हिस्ट्री के बारे में जाना। उसके बाद में इनका क्ले मॉडल हमने स्टार्ट किया, कि वो क्ले मॉडल हमारा करीब 1 महीने में अप्रूव हुआ। सर स्टूडियो आए, उन्होंने भी काफ़ी टाइम दिया। क्ले मॉडल अप्रूव होने के बाद में हमने एक तानपुरे का क्या रोल होता है म्यूजिशियन के साथ में, तानपुरे का कंपोजिशन सेट करके माइक्रोफोन सेट किया, और नीचे आप देखेंगे तो फिल्म का रील बनाया हमने, जो इसका बेस है वो फिल्म का रील लिया है। ऐसे करके ये करीब हमारे को 6 महीने लगे इस स्कल्पचर को कंप्लीट करने में, और ये मेरी लाइफ का ग्रेट एक्सपीरियंस था कि ये हमने कंप्लीट कर दिया और इतना खूबसूरत बना।